वेलकम बैक माय चैनल। तो आज मैं फिर एक हॉनेस्ट रिव्यू लेके आई हूँ। सो गाइस, ये है, आपको दिख रहा होगा, केस किंग ऑयल, और मैं इसका शैम्पू भी यूज़ करती हूँ। सो गाइस, इसका रिजल्ट मैं बताना चाहती हूँ। एक्चुअली कुछ साल पहले, मतलब 1 से 1.5 साल पहले मैं इसको यूज़ कर रही थी, 2-3 महीने यूज़ की, पर मुझे इसका कोई भी रिजल्ट नहीं दिखा मेरे बालों पर। बट इस टाइम बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। मैं बताना चाहती हूँ क्योंकि मैं यूज़ गलत तरीके से कर रही थी। यस गाइस, इसको यूज़ करने का तरीका सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर हम गलत तरीके से यूज़ करते हैं तो हमें रिज़ल्ट नहीं मिलता है केस किंग ऑयल का। क्योंकि मेरी दीदी ने इसे यूज़ किया था तो उनके बाल रुक भी गए थे, घने भी हो गए थे और लंबे भी हो गए थे। पर हम 2-3 महीने यूज़ किए, मुझे कोई रिज़ल्ट नहीं आया, इसलिए मैं नहीं यूज़ किया। तो दीदी ने मुझे बताया कि ऐसे यूज़ करना है, और इस टाइम मुझे इसका रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा मिला है। तो मैं बता दूँ गाइस, इसको अगर आप डेली वे में यूज़ कर सकें, वैसे तो विंटर है, विंटर में कोई भी अपने बालों को डेली वॉश नहीं करेगा, लेकिन हफ्ते में 2 से 3 बार विंटर में आप कर सकते हैं। मैं इस टाइम संडे और वेडनेसडे को वॉश करती हूँ, और कभी कभी फ्राइडे को भी कर लेती हूँ, अदरवाइज़ नहीं करती हूँ। मुझे इस ऑयल को यूज़ किए हुए 6 मंथ हो गए हैं इस टाइम। 1.5 साल पहले यूज़ किया था, तब भी मैंने 3 मंथ यूज़ किया था, बट इस टाइम मुझे ये 6 मंथ होने जा रहे हैं मैक्सिमम यूज़ करते हुए। तो गर्मी था, समर था, तो समर में मैं इसे जैसे संडे को वॉश किया, तो फिर मंडे को और नाइट में ऑयल लगाया, फिर ट्यूसडे को इसको वॉश किया, फिर वेडनेसडे को वॉश किया, फिर थर्सडे को गैप करती थी, फिर फ्राइडे को, फिर सैटरडे को गैप करके संडे को, मतलब मैं कोशिश करती थी डेली वॉश करने का। और गाइस, मैं आपको बता दूं, मेरा कंडीशनर बिल्कुल भी छूट गया। मैं जब से इस ऑयल को यूज़ कर रही हूँ, मैं कंडीशनर अपने बाल में नहीं यूज़ कर रही हूँ। एक्चुअली रीज़न क्या था कि मेरे बाल बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहे थे, बाथरूम में भी बहुत ज़्यादा निकलना था, और फिर कंघी करते टाइम भी बहुत ज़्यादा निकलना था। तो मैं क्या करती थी, शॉप में जाके अपने बाल को स्ट्रेट करवा दिया। मेरे बाल बहुत ही कर्ली थे और हैवी भी थे, और बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा था, इस वजह से मैंने अपने बाल को स्ट्रेट करवा लिया। और नए नए सीखे हुए लोग थे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया था, तो इस वजह से मेरा हेयर फॉल जो है वो और भी ज़्यादा बढ़ने लगा, बहुत ही ज़्यादा। मैं एकदम परेशान हो गए थे, तो मुझे इसी से रिज़ल्ट अच्छा मिला। मैं ये नहीं कहूँगी कि मेरा पूरी तरीके से बंद हो गया, बट कुछ क्या, बहुत ही, मतलब इसे रिलीव मिला है मुझे, बहुत ही कम अब झड़ते हैं मेरे बाल। ये ऑयल है, और मैंने इसका बड़ा वाला शैम्पू जो है परचेस कर लिया है। ये है आपका, आई थिंक 60 ml का है, और ये आपको MRP दिख रहा होगा, 450 का है, और मैंने इसे ऑफ़र में परचेस किया। मुझे 100 रुपये और भी ऑफ हो गया था, मतलब 350 का मुझे पड़ा था, और तो मैंने बड़ा वाला परचेस कर लिया, क्योंकि ऑयल यूज़ करूँ ना करूँ, लेकिन शैम्पू मैं यही वाला यूज़ करने वाली हूँ, क्योंकि मुझे इस शैम्पू यूज़ करने से मुझे कंडीशनर की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। और कंडीशनर मुझे लगता है ना यूज़ करें तो बेटर है, बट मुझे ये इसका रिज़ल्ट बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। तो अगर आप भी यूज़ कर रहे हो, आपके साथ भी ऐसा है कि यूज़ कर रहे हैं और आपको कोई भी रिज़ल्ट इसका नहीं दिखा है, और आप बैड रिव्यूज़ या और रिव्यूज़ आप देखते हैं कितने अच्छे हैं, तो मैं आपको तरीका बता दूँ, आप उस तरीके से इसे यूज़ करें, आपको पक्का ही आपको रिज़ल्ट अच्छा मिलेगा। आई विश, तो आपको मेरा ये रिव्यू कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और प्लीज़ गाइस, मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करना ना भूलें, क्योंकि मैं वहाँ लाइव आती हूँ, और आपके कोई भी क्वेश्चन वगैरह होता है तो मैं वहाँ आपको बताती हूँ, या कोई भी मैसेज में आप वहाँ पर मुझसे पूछ सकते हैं, क्योंकि मैं वहाँ पर हमेशा अवेलेबल रहती हूँ। और गाइस, मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो इसे फॉलो करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि मैं आपको प्रोडक्ट का रिव्यू वगैरह शेयर करती रहती हूँ, तो आपको इससे कुछ नॉलेज वगैरह मिल जाएगा। अदरवाइज़ आपको ये रिव्यू कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आपने भी अगर ये यूज़ किया है तो आपके साथ इसका रिज़ल्ट कैसा रहा, वो भी मेरे साथ प्लीज़ शेयर कीजिए, मुझे अच्छा लगेगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।